fact is that everything he's saying so far is I want to make sure. You graduated last in your class, not first in your class. I want to make Mr. sure. Mr. President, can you let him finish, sir? He doesn't know how to do that. He has, You'd you know, surprised. You pick be surprised. The Go wrong ahead, guy, the wrong night at the wrong time. अमेरिका में पहला सदारती मुबैसा ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को झिड़क दिया, बोले मेरे सामने स्मार्ट का लफ्ज इस्तेमाल न करना। जो बाइडेन ने ट्रंप की टैक्स पॉलिसी पर सवाल उठा दिए, कहा ट्रंप के पास कोई हेल्थ केयर प्लान नहीं। कोरोना के खिलाफ इकदाम ताखीर से किए गए। जो बाइडेन ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, आप बताएं आपने आज तक कितना टैक्स अदा किया। मुल्क भर में प्राइमरी क्लासेस शुरू, नन्हे बच्चे भी स्कूल पहुंच गए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने NCOC के इजलास के बाद ऐलान कर दिया। शफकत महमूद ने कहा कि सूबाई हुकूमत से मुशावरत और कोरोना डाटा को मद्देनजर रखकर फैसला किया गया। स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का सिलसिला जारी रहेगा। कराची हॉक्सबे रोड पर CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। गिरफ्तार दहशतगर्द अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। शनाख्त सईद लोहा के नाम से हुई। CTD के मुताबिक दहशतगर्द से 2 बम असला बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा बना दिया। लाहौर में आजादी चौक फ्लाईओवर पर मंचलों की वन व्हीलिंग और सरेआम हवाई फायरिंग। राहगीरों में खौफ और हिरास, शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार। फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद पुलिस मुल्ज़िमों को गिरफ्तार न कर सकी। लाहौर पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने में नाकाम। गुजरपुरा में घर के बाहर खड़ी खातून को लूट लिया गया। दो डाकू गन पॉइंट पर बरस और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। तहार मुकदमा दर्ज ना हो सका। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके KH में खुफिया इतलाह पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला और मवासलाती निजाम बरामद। ऑपरेशन में मार जाने वाले दहशतगर्द बत्ताखोरी शहरियों सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। मर्दान में पुलिस मोबाइल पर बम हमला। 5 अफराद जहां भग, 14 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका देसी साफ्ट बम से किया गया। मुशारे में मार्टर गोला फटने से 5 अफराद जहां भग। दरिया किनारे मिलने वाला मार्टर गोला कबाड़ी उठाकर लाए थे। कोरोना वायरस से तब तक कोई महफूज नहीं जब तक सब महफूज नहीं। वजीर आजम इमरान खान का अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, उम्मीद है कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार हो जाएगी। हर शख्स की रसाई होनी चाहिए। आलमी मालियाती इदारे कर्जों की वापसी में नरमी करें। अफगानिस्तान मफामती कौंसिल के सरबरा अब्दुल्ला अब्दुल्ला की वजीर आजम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरतेहाल और अफगान मफामती अमल में पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, अब्दुल्ला अब्दुल्ला का दौरा ताल्लुकात में नया बाब खोलने में मावन साबित होगा। अफगानिस्तान में तनाजे का कोई फौजी हल नहीं।
नून लीग की मुश्किलात मजीद बढ़ गयी। शाहिद खाकान अब्बासी आज नैब में पेश हुए। साबिक वजीर आजम को MD मिनरल डेवलपमेंट तायुनाती केस में बयान के लिए बुलाया गया था। उधर खैबर पख्तूनख्वा में फजल रहमान के खिलाफ इंक्वायरी जारी। नैब जराय के मुताबिक अमीर JUI के तलबी का नोटिस वापिस नहीं लिया गया। फजल रहमान का मौकिफ जानने के लिए बुलाया जाएगा। तारीख का तायुन अभी नहीं हुआ। ओगरा की 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम कीमतों में कमी की तजवीज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होगी या बरकरार रहेगी, फैसला आज होगा। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर तक कम करने की तजवीज दी थी। कराची समेत सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। रिक्शा, बस, वैगन में LPG का इस्तेमाल वगैरह के हुक्म पर ममनू अकरार दे दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का गैर मयारी सिलेंडर का इस्तेमाल रोकने का भी हुक्म। अमीर कुवैत शेख सबा अल अहमद अल जाबर सबा 91 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। 83 साल शेख नवाफ अल अहमद ने अमीर बन गए। कुवैती काबीना ने तौसीक कर दी। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमीर कुवैत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। यूरोपीय यूनियन की कानूनी कार्रवाइयों की धमकियां मुस्तरद। बरतानवी दारुल अवाम में अंदरूनी मार्केट रेगुलेट करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 340 और मुखालिफत में 256 वोट पड़े। कोरोना के वार जारी। दुनिया भर में अमवात 10,12,000 से तजावुज कर गई। मुतासर अफराद की तादाद 3,38,29,000 तक जा पहुंची। दुनिया भर में 2,51,30,000 मरीज सेहत याब भी हो चुके। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। डाउ जोन्स 133 पॉइंट गिरने से 27,450 पॉइंट्स पर बंद हुआ। S&P 500 में 16.17 पॉइंट्स की गिरावट। नेस्डिक कंपोजिट 32 पॉइंट्स गिरने से 11,050 पॉइंट पर बंद हुआ। नेशनल T20 कप आज मुल्तान में शुरू होगा। 6 टीमें हिस्सा लेंगी। मैच दोपहर 3 बजे पहले मैच में नाजम का मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा से होगा। शाम 7:30 बजे सेंट्रल और सदर्न पंजाब की टीमें मध्य मुकाबले होंगी। उधर नेशनल T20 ट्रॉफी की रुनमाई कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। Saturday mornings. It's all just weird foreign sports fans, like those Pakistani cricket hooligans. If you're not rooting for Lahore, please you may leave, I can tell you. Lahore cricketers are the best and the others are not the best, dear friends. I'm for Karachi, but I don't got a death wish. और पाकिस्तान सुपर लीग के अमेरिका में भी चर्चे। मशहूर कॉमेडी शो फिल्मी गाय में PSL पाकिस्तान का दिलचस्प अंदाज में जिक्र किया गया। 2 कार्टून क्रिकेटर्स को लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के सपोर्टर दिखाया गया। कलंदर्स और किंग्स के सपोर्टर के दरमियान दिलचस्प मुकालिमा इंटरनेट पर वायरल हो गया। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। मैं हूं अखलाक अहमद सालिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिका में पहला सदारती मुबैसा ट्रंप और जो बाइडेन में आमने सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को झिड़क दिया। बोले, मेरे सामने स्मार्ट का लफ्ज इस्तेमाल न करना। जो बाइडेन ने ट्रंप की टैक्स पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। कहा ट्रंप के पास कोई हेल्थ
केयर प्लान नहीं, कोरोना के खिलाफ इकदाम ताखीर से किए गए। जो बाइडेन ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बताएं आपने आज तक कितना टैक्स अदा किया। The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you, I just want to make sure. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has. You'd you know, be surprised. You pick be surprised. The ahead, wrong Joe. Guy. The wrong. तालीम शफकत महमूद ने एनसीओसी के इजलास के बाद ऐलान कर दिया। शफकत महमूद ने कहा कि सूबाई हुकूमत से मुशावरत और कोरोना डाटा को मद्देनजर रखकर फैसला किया गया। स्कूलों में एसओपीस पर सख्ती से अमल दरामद कराने का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं महीनों बाद स्कूल जाऊंगी, अपनी टीचर से मिलूंगी, पढ़ाई करूंगी और अपने फ्रेंड से मिलूंगी। रुक करेंगे शहर कायद का। कराची हॉक्स में रोड पर सीसीटीवी और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। गिरफ्तार दहशतगर्द अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। शनाख्त सईद लोहा के नाम से हुई। सीसीटीवी के मुताबिक दहशतगर्दों से दो बम असला बारूदी मवाद बम नकारा बना दिए। ब्रिटेन में खबर शामिल करते हैं लाहौर से, और आपको बताएं कि लाहौर में आजादी चौक फ्लाईओवर पर मंचलों की वन व्हीलिंग और सरेआम हवाई फायरिंग, राहगीरों में खौफ और हिरास, शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार। फुटेजेस मंजरे आम पर आने के बावजूद भी पुलिस मुलजिमों को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। तो दूसरी तरफ लाहौर पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने में नाकाम। गुजरपुरा में घर के बाहर खड़ी खातून को लूट लिया गया। दो डाकू गन पॉइंट पर पर्स और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ताहाल मुकदमा दर्ज न हो। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके केच में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, दो दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। आईएसपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला और मवासलाती निजाम भी बरामद किया गया। ऑपरेशन में मारे जाने वाले मुलविस थे। उधर मैदान में पुलिस मोबाइल पर बम हमला, 5 अफराद जान बहक, 14 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका देसी साख्ता बम से किया गया। मुशारे में मार्टर गोला फटने से 5 अफराद जान बहक हो गए। दरिया किनारे में बुलेटिन में खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस से तब तक कोई महफूज नहीं जब तक सब महफूज नहीं हैं। वजीर आजम इमरान खान का अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। उन्होंने कहा कि उम्मीद है की रसाई होनी चाहिए, आलमी मालियाती इदारे कर्जों की वापसी में कुछ तो नरमी करें। आपको बताएं कि अफगान मफामती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरतेहाल और अफगान मफामती अमल में पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा अब्दुल्ला अब्दुल्ला का दौरा ताल्लुकात में नया बाब खोलने में मावन साबित होगा। अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल सियासत के गर्मा गर्म मैदान से आपको खबर दें कि नून लीग की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी आज नैब में पेश हुए। साबिक वजीर आजम को एमडी मिनरल डेवलपमेंट तायुनाती केस में सुनवाई की तलबी का नोटिस वापस नहीं लिया गया। फजलुर रहमान का मौकिफ जानने के लिए उनको बुलाया जाएगा। तारीख का तायुन अभी तक नहीं हुआ।
और अगला कि 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम कीमतों में कमी की तजवीज, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होगी या बरकरार रहेगी, फैसला आज किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए फी लीटर तक कम करने की तजवीज दी थी। शहर कायद से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची समेत भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एलपीजी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। रिक्शा, बस, वैगन में एलपीजी का इस्तेमाल वगैरह के हुक्म पर ममनू करार दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का गैर मयारी सिलेंडर का इस्तेमाल रोकने का भी हुक्म। शेख सबा अल अहमद अल जाबर सबा 91 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। 83 साल शेख नवाफ अहमद अमीर नए मुकर्रर कर दिए गए। कवेती कबीना ने तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमीर कवेत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। तो उधर आलमी मंजरनामे से एक और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन ने कानूनी कार्रवाइयों की धमकियां मुस्तरद कर दी। बरतानवी दारुल अवाम में अंदरूनी मार्केट रेगुलेट करने के बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 340 और मुखालिफत में 256 वोट पड़े। अब कोरोना की सूरत हाल, कोरोना के वार जारी। दुनिया भर में अमवात 10,12,000 से तजावज कर गई। मुतासर अफराद की तादाद 3,38,29,000 तक जा पहुंची। दुनिया भर में 2,51,30,000 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। और कारोबार की दुनिया से आपको खबर देते हुए बताएं कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान देखने को मिला। डाउ जोन्स 133 पॉइंट गिरने से 27,450 पॉइंट्स पर बंद हो गया। S&P 500 में 16.17 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, जबकि नेस्टिक कंपोजिट 32 पॉइंट गिर आज मुल्तान में शुरू होगा। 6 टीमें हिस्सा लेंगी। सुपहर 3 बजे पहले मैच में नॉर्दर्न का मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा से होगा। शाम 7:30 बजे सेंट्रल और सदर पंजाब की टीमें मध्य मुकाबले होंगे। उधर नेशनल टी20 ट्रॉफी की रुनमाई कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के अमेरिका में भी चर्चे होने लगे। मशहूर कॉमेडी शो फैमिली गाय में भी PSL पाकिस्तान का दिलचस्प अंदाज में जिक्र किया गया। 2 कार्टून कैरेक्टर्स को लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के सपोर्टर के तौर पर दिखाया गया। कलंदर्स और किंग्स के सपोर्टर के दरमियान दिलचस्प मुकालिमा इंटरनेट पर वायरल हो गया। Sucks on Saturday mornings. It's all just weird foreign sports fans, like those Pakistani cricket hooligans. If you're not rooting for Lahore, please you may leave, I can tell you. Lahore cricketers are the best and the others are not the best, dear friends. Ab rukh karenge ilaqai khabron ka. Session Court Lahore mein Punjab Bar Council ke election ke hawale se Shan Muhammad Lies Forum ki janib se ek program ka inaqat kiya gaya, jisme मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद खुर्शीद नजमुल हसन खान, शान मोहम्मद लाइन फॉर्म, चौधरी काशिफ अशरफ और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नवीद कमर की इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त मौजूद हैं शिशन कोर शान मुसवा लायर फार्म के दफ्तर में, जहां पे पंजाब बार मेंबर के हवाले से एक तकरीब का इंतजाम किया गया। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। उनकी मीटिंग मेंबर पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन जो होने वाले हैं उनके हवाले से की गई, जिसमें मेरे बहुत ही काबिल इज़्ज़त नजमुल हसन खान साहब, तनवीर शाह साहब, राना आसिम साहब और बहुत ही ज़्यादा काबिल इज़्ज़त आशिक चौधरी साहब और तमाम जो हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन सब की वसासत से अल्हम्दुलिल्लाह आज की मीटिंग का इनेकाद किया गया। और हमने कोशिश की है उन तमाम कैंडिडेट्स को अनाउंस करने की जो कैंडिडेट्स जो हैं वो इस काबिल हैं, जो कि बार की वेलफेयर के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ बार काम करें और वो काम करें जिसमें कानून की बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो और हमारे माशरे में कानून की बालादस्ती हो,
इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तमाम कैबिनेट मेंबर जो आपके सामने मौजूद है, तमाम कैबिनेट मेंबर जो आपके सामने खड़ी है, इन तमाम की मशावरत से हमने मिलकर आज के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनाउंस किया है। और इस बात को सबसे ज्यादा खसूसियत, उस बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी है कि तमाम मेंबर्स, ऑल कैंडिडेट्स हु आर अनाउंस बाय शाने मोहम्मद लॉयर्स फोरम, ये जो काम करेंगे ये वेलफेयर ऑफ लॉयर्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ लॉयर्स के लिए काम करेंगे, वकला की बेहतरी के लिए, वकला की फलाह बहबूद के लिए हर उस अमल को और उस तमाम काम को सर अंजाम देंगे जिसमें आज हमने यहाँ पे शाने मोहम्मद लॉयर फोरम के ऊपर कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो अनाउंस किया है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं इनमें से जो भी इलेक्ट होता है वो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी के लिए आएगा और हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा, लॉयर्स के लिए कुछ बेहतर करेगा और कानून के लिए कुछ बेहतर करेगा। हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि हम अपना वकार बरकरार रखें और जो कानून है उसकी बालादस्ती के लिए इंशाल्लाह विद द विल ऑफ गॉड वी विल गिव फुल सपोर्ट एंड वोट इन देयर फेवर। और हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमने उन पर ट्रस्ट किया इंशाल्लाह वो भी बार की बेहतरी के लिए काम करेंगे, अपना पर्सनल मुफाद के लिए नहीं बल्कि पूरे बार के मुफाद के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ नवीर कमर, रेल न्यूज़। खबर है साहिवाल से। आपको बताएं कि पाकिस्तान भर की तमाम पैरामेडिक्स तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से पाकिस्तान मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएशन के चेयरमैन बशारत रसूल की दावत और मेजबानी में एक एहतजाजी जलसा का इनेकाद किया गया। इस जलसा में पैरामेडिक्स जॉइंट एक्शन कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन शराफतुल्लाह यूसुफजई, कन्वीनर जनाब शाहद जान खटिक और सरपरस्त आला जनाब सराजुद्दीन बरकी, मेंबर जनाब मोहम्मद अरशद खान, मलिक यूसुफ अवान, जनाब मलिक मुनीर अहमद, मलिक शकील और दूसरे मरकजी कायदीन ने शिरकत की। पाकिस्तान भर की तरह तमाम पैरामेडिक्स तंजीमों जिसमें पाकिस्तान मेडिकल लेबॉरेटरी एसोसिएशन, पंजाब डिस्पेंसर एसोसिएशन, मिडऑफ एसोसिएशन और सीटीडीसी एसोसिएशन, पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन और दीगर अहम तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इन तमाम कायदीन का तीन निकाती मुतालबा है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पैरामेडिक्स काउंसिल का क्याम हंगामी बुनियादों पर कायम किया जाए, नंबर दो हेल्थ केयर कमीशन की जालमाना कार्रवाइयों को काउंसिल के क्याम तक बंद किया जाए, नंबर तीन पर उन्होंने बताया कि सर्विस स्ट्रक्चर के नोटिफिकेशन को 2011 के मुताबिक बहाल किया जाए। आज के बाद हमारे मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम न किए तो तमाम सूबे में एहतजाजी जलसा करते हुए इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने धरना भी दिया जाएगा। खबर है टंडवाला यार से। टंडवाला यार में वापडा चैंबर की गैर अलानिया लोड शेडिंग और वापडा प्राइवेट मुलाजमीन की ज्यादतियों नाजायज डिक्टेशन के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की क्यादत में फाजल स्टॉप चैंबर रोड पर टायर नजर आतिश किए गए और रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। आपको बताएं कि जिसकी क्यादत सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी रहनुमा अल्ताफ जिस्कानी ने की, एहतजाजी मुजाहरे में इमदाद नारेजो, इरफान आसिर, मलिक दाइदाना, साई काका इनायत शाह, जिशान जिस्कानी, अफजल जिस्कानी, रोशन जुनेजो और वकार सनेड़ो और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहरीन से खिताब करते हुए सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी रहनुमा अल्ताफ जिस्कानी ने कहा कि बिजली के बिल अदा करने के बावजूद चंबर फीडर फासिल स्टॉप गाँव की बिजली मुनकता कर दी गई है, यहाँ के रिहायशी हजारों के बिल अदा करते हैं मगर फिर भी वापडा चंबर ने पूरे गाँव की बिजली मुनकता कर रखी है। वापडा के प्राइवेट मुलाजमीन की आय रोज की नाजायजियों से तंग आ चुके हैं, जब तक यहाँ की बिजली बंद नहीं की जाएगी और यहाँ के इलाका मकीनों के जायज मुतालिबात पूरे नहीं किए जाएंगे हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। खबर है शोरकोट से, जहां शोरकोट के नवाई इलाका चक नंबर 502 मलका डेरा साबरी नगरी में पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह के साले सवा के लिए महफिल मुनक्किद हुई जिसकी सदारत मारूफ रूहानी बुजुर्ग पीर सैयद शमीम साबिर सजादा नशीन आस्ताना आलिया क्लिस शरीफ ने की। महफिल का आगाज तलावत कान पाक से हुआ, इसके बाद बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क के मारूफ नाथ खान रिजवान खालिद अजमत साबरी ने नजराना अकीदत पेश किया। महफिल में सिंध पंजाब बलूचिस्तान और कश्मीर से सियासी और समाजी शख्सियात और अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में पीर सैयद शमीम साबर आस्ताना आलिया कल्स शरीफ और खानवादा हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन साहबजादा मोहम्मद नजीर सुल्तान ने पीर सैयद जमील हैदर शाह की दस्तार बंदी की। पीर सैयद जमील हैदर शाह ने हाजरीन महफिल से खिताब करते हुए कहा कि औलिया अल्लाह ने हमेशा लोगों को सात मुस्तकीम पर चलने का दर्श दिया है, उन बुजुर्गों के फरमुदात पर अमल होकर माशरे में अमन मोहब्बत और भाईचारे की फजा
कायम की जा सकती है। रुख करेंगे शहर इकतदार इस्लामाबाद का। यूएन जनरल असेंबली से वजीर आजम इमरान खान के खिताब में कश्मीर इशू को एक बार फिर अक्वामे आलम के सामने लाना। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत के जुल्मों सितम पर कश्मीर इशू की जानब तवज्जो मजबूर करवाने पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना, आइए देखते हैं इस्लामाबाद से साजिद दीवान की ये रिपोर्ट। यूएन जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मसला कश्मीर को एक बार फिर भरपूर अंदाज से उजागर किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में मुसलमानों के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मगरब में गुस्ताखाना हक़ इशाया किए जाते हैं, इस हवाले से भी मगरब को अपने आड़े हाथों लिया। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भारत और भारत की जो फासिस्ट हुकूमत नरेंद्र मोदी को भी दुनिया के सामने बेनकाब किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में फ़लस्तीन, अफगानिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक के लिए भी आवाज़ बुलंद की। प्राइम मिनिस्टर की इस तकरीर के हवाले से वतन अजीज़ की गयूर आवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं आवाम की ज़बानी। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दिल की अथागहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने यूके के अंदर मसला कश्मीर को उजागर किया, जैसे 70 सालों ने किसी ने आवाज़ नहीं बुलंद की, फिर भी हमारे कायद ने ये आवाज़ मसला कश्मीर के लिए बुलंद की। इमरान खान ने जिस तरह जनरल असम्बली में जो तकरीर की है, तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वह इस तरह रसूल सल्लम पर अपनी जान कुर्बान कर दे और इस तरह की उसके लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़ताब किया और मसला कश्मीर को उजागर किया, हम वज़ीर आज़म इमरान खान का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इमरान खान साहब ने जो रिसेंटली अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कॉन्फ्रेंस में ख़ताब किया, उसमें ना सिर्फ कश्मीर का बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में जो गुस्ताखी की जाती है, उनके बारे में जो कानून बनाने के वाले से बात की, जो एक बहुत अच्छा फैसला, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी भी लीडर ने इतने बड़े फोरम पर वहाँ पर यहूदियों के सामने जाके इस्लाम का या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी इस तरह दलेराना गुफ्तगू नहीं की। ये एक हमारे लिए एक बड़ा अल्लाह का फ़ख्र और इनाम है कि हमारा ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिला है कि जो दुनिया में न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहा है। यूएन जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर साहब की खिताब को आवाम ने उस पर ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। कैमरामैन राजा एजाज के साथ साजिद दीवान, रॉयल न्यूज़ इस्लामाबाद। रुख करते हैं खानेवाल का। आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून टिकट होल्डर PP 206 खानेवाल राणा मोहम्मद सलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन के कायदीन की गिरफ्तारियों से अवाम को आटा, चीनी, पेट्रोल और बिजली सस्ती होती है तो सिलेक्टेड हुकूमत को सब गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं। इन गिरफ्तारियों से कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेरों को नहीं डराया जा सकता। मजीद जानते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। रहनुमा मुस्लिम एक नॉन टिकट होल्डर PP 206 खाने वाल राना मोहम्मद सलीम ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा जो एहतजाज और एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस चीज़ की कि आज जो लाहौर में मियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब की जमानत जिन ताकतों ने खारिज कराई और नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया, मियाँ साहब पहले भी इन्हीं मुकदमात में जेल में रहे, उस वक्त भी कोई चीज़ साबित ना हुई, आज ये फिर दोबारा गुंडी हरकत की है। हम सारे, मैं और मेरे खाने वाल के कारकुनान मुस्लिम लीग नून के सारे शदीद मजम्मत करते हैं, मुस्लिम लीग नून के लीडरों के खिलाफ, ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ जो उन्होंने केस बनाए, आज तक कुछ भी कामयाबी नहीं मिली। रहनुमा मुस्लिम लीग नॉन टिकट होल्डर PP 206 राना मोहम्मद सलीम का कहना था कि मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। कैमरामैन रहील अब्बासी के साथ सलाहुद्दीन मिर्जा, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, रायल न्यूज खान। रुख करेंगे स्वाबी का, जहां रेस्क्यू 1122 स्वाबी ने 9 माह में 1500 इमरजेंसी में काम किया, जिसमें 1365 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया जबकि 200 के करीब लोगों को मौके पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद देकर फारिग किया गया। रेस्क्यू की किसी भी नागहानी हादसात आफात के लिए हरदम मुस्तैद और तैयार है। स्वाबी से रॉयल न्यूज के नुमाइंदे आमिर यूसुफ जई इस वक्त रेस्क्यू ऑफिस के बाहर मौजूद है, उससे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा।
नंबर टू के ऑफिस के सामने इस वक्त हमारे पास इमरजेंसी ऑफिसर उस्मान साहब मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू 1122 ने सवाबी में अब तक कितना काम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर जी, बताइए रेस्क्यू 1122 ने अब तक सवाबी में कितनी इमरजेंसी डिक्लेयर करी और कितनी इमरजेंसी में वो काम किए? अच्छा, रेस्क्यू 1122 तकरीबन 9 महीने से यहाँ से काम कर रहा है और हमने अभी तक तकरीबन 1575 इमरजेंसी जो है यहाँ सवाबी में डील की है और तकरीबन 1365 पेशेंट जो है हमने पसर दे के हॉस्पिटलाइज करवाए जी। बिल्कुल, ये थे ड्यूटी ऑफिसर उस्मान साहब, रेस्क्यू 1122 सवाबी। उसका कहना था कि हमारे जवान हर दम मुस्तैद है और हमारे पास एम्बुलेंसेज और दीगर जो डिजास्टर व्हीकल है वो भी सवाबी के अवाम के लिए किसी भी नागहानी हादसात से निमटने के लिए पूरे। आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करते हैं शांगला का। आपको बताएं कि शांगला इंचार्ज सिविल डिफेंस अब्दुल वदूद की हिदायत पर सिविल डिफेंस शांगला की फोर्स ने तहसील चिकेसर का विजिट किया और दौरान विजिट चिकेसर के मुख्तलिफ स्कूलों में कोरोना एसओपीज के हवाले से आगाही मुहिम चलाई। जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल चकेसर के साथ साथ मुख्त स्कूलों में बच्चों को एसओपीज फॉलो करने की हदायत भी की गई और साथ ही चकेसर में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी की गईं। अवाम ने सिविल डिफेंस चांगला की इस कारगर्दगी को खूब सराहा। इस मौके पर सिविल डिफेंस चांगला के ग्रुप वार्डन वजीर मोहम्मद, पोस्ट वार्डन मोहम्मद रफीक, पोस्ट वार्डन अबैदुल्ला, पोस्ट वार्डन सुहेल शहजाद और दीगर भी हमरा थे। ग्रुप वार्डन सिविल डिफेंस चांगला वजीर मोहम्मद ने कहा कि सिविल डिफेंस शांगला की फोर्स इमरजेंसी में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी मुमकिन हालात से निमटने के लिए सिविल डिफेंस शांगला फोर्स हमा वक्त अलर्ट है। उन्होंने मजीद कहा कि सिविल डिफेंस शांगला में रजाकराना तौर पर रजिस्ट्रेशन जारी है, इंशाल्लाह सिविल डिफेंस फोर्स शांगला में मॉडल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। रुख करेंगे हंगू का, जहां सुन्नी सुप्रीम काउंसिल और हंगू जिले इंतजामिया के दरमियान मुजाकरात नाकाम हो गए। सुन्नी सुप्रीम काउंसिल का डीसी ऑफिस के सामने तीसरे रोज एहतजाजी धरना जारी है। इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक एहतजाजी कैंप जारी रहेगा। आपको बताएं कि डीसी हाउस के सामने सुन्नी सुप्रीम काउंसिल ने हंगू जिले इंतजामिया के नारवा सलूक जानबदाराना रवैये के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाया है, जिसमें चेयरमैन सुन्नी सुप्रीम काउंसिल मौलाना अब्दुल सत्तार अमीनुल्लाह हसन एडवोकेट, मौलाना नसरुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह, मौलाना तहसीनुल्लाह और दीगर उलमाए कराम मौजूदीन इलाका शरीक हैं। आईडीसी हंगू और डीपीओ हंगू मुजाकरात के लिए एहतजाजी कैंप गए, लेकिन हुकूमत और सुन्नी सुप्रीम काउंसिल के दरमियान मुजाकरात नाकाम हो गए। सुन्नी सुप्रीम काउंसिल और अहले सुन्नत वल जमात का मुतालिबा है कि जिले इंतजामिया जानिबदाराना रवैया तर्क करें, 11 सितंबर को पुरअमन मुजाहरे पर फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके गुस्ताखान रसूल और सहाबा के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करें। उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं किए जाते तब तक एहतजाजी कैंप जारी रहेगा। एहतजाजी कैंप में जिले अंगू के तमाम सियासी मजहबी जमातों के कारकुनान ने शरीक हैं। एहतजाजी धरना दिन रात जारी है। मुजाहरीन के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया। रुख करते हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान का। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिवीजन इंतजामिया ई खिदमत सेंटर की फाली बारे मुतहरिक कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का ई खिदमत सेंटर का दौरा। वजीर अला पंजाब खित्ते की तरक्की में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। ई खिदमत सेंटर अवामी अहमियत का मनसूबा है, जल्द फंक्शनल किया जाएगा। जी, कमिश्नर ई खिदमत सेंटर में पलकन मुल्तान के तैयार दरख्त लगाने का हुक्म, 151 मिलियन रुपए की लागत से तैयार ई खिदमत सेंटर 8 कनाल 9 मरले पर मोहित है। शहरियों को 78 सर्विसेज एक छत तले फराहम की जाएगी। ई खिदमत सेंटर में 30 काउंटर बनाए गए हैं। ई खिदमत सेंटर में 32 सर्विस सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक हैं। सेंटर में स्टाफ तैनात, तरबियती सेशन जारी हैं। खिदमत सेंटर में बैंक ऑफ पंजाब फाल हो चुका है। सेंटर में दाखिल होते ही फ्रंट डेस्क शहरियों को मुकम्मल मुआवनत भी फराहम करेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीपीओ ऑफिस के बाहर नवाही गांव के मकीनों का थाना नूरशाह के एसएचओ और सबका चेयरमैन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। आपको साहिवाल से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि एसएचओ और सबका चेयरमैन अजम शाह खग्गा के ने हमारे भाई आसिफ को 3 रोज कबल अगवा करवाया। एसएचओ नूरशाह ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही हमारी दरख्वास्त वसूल कर रहा है। हमारे भाई को अगवा के बाद कत्ल करने का खदशा है। मुजाहरीन ने एसएचओ और सबका चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाजी मुजाहरीन का वजीर अला पंजाब उस्मान अहमद बुज़दार से नोटिस लेने का भी मुतालिबा।
खबर है लाहौर से, जहां लाहौर के नवाई इलाका मुगलपुरा में डॉल्फिन फोर्स ने नाका लगाकर अवाम को लूटना शुरू कर दिया। बेमानी सवालात करके अवाम को तंग करने लगे अहले इलाका की जानिब से एहतजाज। मजीद जानते हैं मोहम्मद दानिश अहमद खान की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद है मुगलपुरा के इलाके में, जहाँ पर डॉल्फिन फोर्स जोन से अब लोगों से भत्ता वसूल करते हैं और उनको हरासा करके, उनके घर वाले अगर फैमिली भी साथ हो तो उनको रोक के उनसे पैसे की तलब करते हैं। जो ज्यादातियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और डॉल्फिन पुलिस जो है वो भत्ताखोरी की अलामत बन चुकी है और नजायज़ तौर पर जो है अपनी जाती मुफादात के लिए लोगों को खड़ा करके उनकी नजायज़ तलाशी लेते हैं और रात को मोहल्लों में घुस के जो है ये वारदातें भी करते हैं और लोगों को खड़ा करके फैमिली के साथ साथ गोप करते हैं जनाब। और आज जो है एक जाती मुफाद पे जैन डोगर नामी डॉल्फिन अलकार जो मुगलपुरा थाने में है, उसने अपने जाती मुफाद रखते हुए एक लड़के को जो है उसकी नंबर प्लेट खुद तोड़ी, उसकी तस्वीरें खींची और खींच के जो है वो अपने आगे भेज के उसकी गाड़ी बंद की और ऊपर से उसको थप्पड़ भी मारे और जाके थाने में बंद करवाने की कोशिश की, ठीक है, जो कि मौजूदा इलाका के कहने पर उसको छोड़ दिया गया। लेकिन हम ये भरपूर है वो तमाम वजीर अला पंजाब से और तमाम जितने भी अहदेदारान हैं सी सी पी ओ साहब डीआईजी साहब और आईजी साहब से ये इल्तजा करते हैं कि डॉल्फिन पुलिस को रोका जाए कि वो अवाम की मुहाफिज है, ना कि अवाम को जो है वो तशद्दुद करने के लिए, ज्यादतियाँ करने के लिए और उनको जो है नजायज़ तंग करने के लिए और बताखोरी करने के लिए नहीं बनी। और डॉल्फिन पुलिस जो है वो सरासर दिन ब दिन इनकी ज्यादतियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और अवाम जो है इनसे तंग है, किसी से ये तमीज़ से बात नहीं करते, हर किसी को वे किधर चलना है की करना पे है और किसी को घुटनों पे बिठा लेते हैं। ये इलाके में रहने पुलिस जो है ये इलाके में आती है, हर किसी को रोक लेती है, लेडीज भी साथ रोक लेते हैं अक्सर आगे कि चार मुलाजम होते हैं, कभी किसी को तंग करते हैं, कभी किसी को दुकानों के आगे लड़का कुछ लेने आते हैं उधर भी रुक जाते हैं, उनको रोक के तंग करते हैं, किसी की मोटरसाइकिल गुजरती है उसको रोक के थाने ले जाते हैं, मोटरसाइकिल बंद करा देते हैं रोजाना ही, चार बंदे होते हैं ये। कैमरामैन खादम हुसैन के साथ मोहम्मद दानिश राज। खबर है शहर इक्तदार से, आपको बताएं कि इस्लामाबाद के एजुकेशन कोऑर्डिनेटर राजा कैसर गफ्फार इस्लामाबाद में निज़ाम तालीम निसाब की तब्दीली और वज़ीर आज़म इमरान खान के वीजन तालीम का मियार सब के लिए यकसा के हवाले से क्या कहती हैं, आइए देखते हैं इस्लामाबाद से मलिक मंसूर अहमद अली की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं यूसी साहब के चेयरमैन राजा कैसर गफ्फार साहब, ये साथ साथ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन कोऑर्डिनेटर भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैं एन ए 52 के हवाले से बात करूंगा, 53 या 54 पूरे इस्लामाबाद के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 साल में जो काम नहीं हुए, इस वक्त आप पूरे हलकों में जा के देख लें, वहाँ पर रोड्स के काम हो रहे हैं, स्कूलों की अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, गैस का काम हो रहा है, तो बड़े पैमाने पर तरक्याती फंड जारी किए गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने और हमारे जो देहात के स्पेशली इलाके हैं वहाँ पर हमारे MNA हज़रात ने बड़ा काम किया है और बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं और ग्राउंड पर भी मौजूद हैं। स्पेशली मैं आपको ये बताऊं कि गैस के जो काम रूरल एरिया इस्लामाबाद में हुए हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुए और जितने तरक्याती काम अब हो रहे हैं मैं समझता हूं मुशर्रफ साहब के दौर में हुए थे उसके बाद अब हो रहे हैं। ये जो एजुकेशन का मामला, इस्लामाबाद की एजुकेशन के जो सरकारी स्कूल थे स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा, वो तकरीबन तबाह हो चुके थे, लोग उनकी खस्ता हाली की वजह से, एतमाद ना होने की वजह से वहाँ पर बच्चे भी दाखिल नहीं करवाते थे। तो जब से ये हुकूमत आई है और इन्होंने एजुकेशन पर काम किया है और अब सूरतयाल कुछ कंट्रोल में है, 10 साल से कोई नए टीचर भर्ती नहीं हुए थे, जो टीचर जिनकी उम्रें पूरी हो गई थी, फोत हो गए थे, रिटायर्ड हो गए थे, तो ये बहुत से अदारे खाली हो चुके थे। अब चूंकि कोर्ट में भी डेली वेजेस के मसाइल हैं, बहुत से लोग कोर्ट्स में थे तो कोर्ट इजाज़त नहीं दे रही थी कि इनको नई भर्तियाँ स्टार्ट की जाएँ, तो FPSC के थ्रू 600 टीचर्स नए भर्ती हो रहे हैं जो 2 से 3 माह के अंदर देहात के स्कूलों में जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टीचर्स की कमी का मेजर मसला है वो हल होगा। FDE फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ जो एजुकेशन है उसके अंदर ही 2 सिस्टम बने हुए हैं, एक मॉडल कॉलेजेस के सिस्टम है और एक FG का है। हम चाहेंगे कि इसको एक सिस्टम के तहत लेकर आएँ और उसके जो कानूनी पहलू हैं उनको दूर करके यक सिस्टम हो, और इसके अलावा आपको जैसा कि इल्म होगा कि निसाब तालीम में भी तब्दीली आ रही है जो कि मार्च से स्टार्ट होगी, उसमें सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट जितने स्कूल होंगे उनमें सेम निसाब होगा और मदरसे के जो बच्चे हैं वो भी सेम निसाब पढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो अमीर और गरीब का एक बंदे के पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को किसी और मियार की तालीम देता है और जो गरीब है वो कोई और मियार लेता है, तो ये तबका हम ख़त्म करें और इक्वल
तालीम दी जाए जो कि हर इंसान का, हर पाकिस्तानी का, इस्लाम आबाद की रहायशी का बुनियादी हक है। हमारे साथ मौजूद थे राजा कैसर साहब, जिनका कहना था कि एजुकेशन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक खतीर रकम एक बजट के तौर पर पेश की है और वो एजुकेशन में इस्लाम आबाद में पहली हुकूमतों की नस्बत बेहतर से बेहतर काम करेंगे। कैमरा मैन जवाद मुगल के साथ मलिक मंसूर अली, रॉयल न्यूज़ इस्लामाबाद। रुख करेंगे चिश्तियाँ शरीफ का, जहां थाना सीटीए डिवीजन की दबंग एस एच ओ माजिद इकबाल की दबंग कार्रवाइयाँ जारी हैं। 3 साल से मफूर राजधानी के मुकदमा में मुलव्वस एक कैटेगरी के खतरनाक मुजरम इश्तहार गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बे की हिदायत पर दबंग एस एच ओ थाना सीटीए डिवीजन माजिद इकबाल की सरबराही में मोहम्मद ने पुलिस एएसआई मकसूद टीम के हमराह जदीद तरीका तफ्तीश और टेक्नोलॉजी की मदद से अरसा 3 साल से मफरूर राजधानी के मुकदमा में मुलविस ए कैटेगरी के खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी आमिर शहजाद वल्द मोहम्मद असलम कौम राजपूत सकना 14 की जानी को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वारदात के बाद गिरफ्तारी के डर से मुख्तलिफ अजला में रोपोश था। मुलजिम को पाबंद सलासल करके मुकदमा से मुतालिक तफ्तीश का अमल जारी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बेग ने मुजरिम इश्तिहारी की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश दी है। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस मेहड़ का हाई एस वैगनों के खिलाफ क्रैकडाउन, दर्जनों वैगनों से गैर कानूनी गैस सिलेंडर और इजाफी सीटें उतार दी गईं। जी कुलाची और खैरपुर नाथन शाह नेशनल हाईवे पर मोटरवे पुलिस बीट 5 के डीएसपी कमर जमान खोसो, एडमिन ऑफिसर इंस्पेक्टर अब्दुल समद अबड़ू और इंस्पेक्टर सईदुल्ला मक्सी की कार्रवाई। दर्जनों वैगनों में लगे गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर और गैर कानूनी सीटें काट दी। ट्रांसपोर्टर मालकान को वार्निंग दी कि वो अपनी अपनी मुसाफिर गाड़ियों से गैर कानूनी गैस सिलेंडर और इजाफी सीटें खुद उतार दें। दी हुई वार्निंग पर अमल नहीं किया गया तो मोटरवे पुलिस गाड़ियों को बंद करके भारी जुर्माना और कानूनी एक्शन लेगी। आइंदा किसी भी मुसाफिर गाड़ी में गैस सिलेंडर और इजाफी सीटें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। खबर है सरगोधा से, जहां थाना मियानी के कस्बा मन वैंस में अगवा होने वाले 18 साल यतीम लड़की के 10 दिन गुजर गए, मगर पुलिस लड़की को बाजियाब करवाने में नाकाम हुआ। मां दर दर बदर ठोकरे खाने पर मजबूर, वही थाना मियानी पुलिस बासर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। मासूम बच्ची की बाजियाबी करवाने में पुलिस रवायती जो हठधर्मी अपनाने में मगन है। आगे देखते हैं सरगोधा से हमारे नुमाइंदे चौधरी रहमान जुनेद की ये रिपोर्ट। के नवाही इलाका थाना मियानी की गरीब मेहनतकश बेवा सुगरा बीबी, जो 4 जवान बेटियों और एक जहनी मजदूर बेटे की बदकिस्मत माँ है, जिसकी 18 साल बेटी को रात गए 10 दिन का घर से अगवा कर लिया गया था। मुकामी पुलिस थाना मियानी ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए 18 साल यतीम लड़की को बाजियाब ना करवा सकी। मुकामी पुलिस ने बासर अगवाकारों के आगे घुटने तो टेक ही दिए, मगर किसी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार भी कर दिया। मेहनतकश बेवा सुगरा बीबी ने कहा, मियानी पुलिस इसकी बेटी की बरामदगी और अगवा में मुलव्वस मुजरमों को पकड़ने के लिए पैसों का तगाजा कर रही है। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का मुश्किल से पेट पाल रही हूं। वहीं थाना के मुतद्दिद बार बेटी के बाजियाबी के चक्कर लगाए हैं, मगर पुलिस रवायती तरीके पर गमजन है। रियासत मदीना में इंसाफ घर की दलील पर मिलता था, गुरबत अमीर सब बराबर होते थे, मगर यहाँ इंसाफ के लिए बेटी की बाजियाबी के लिए धक्के खाने पर मजबूर हूँ। वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और आरपीओ सरगोधा से मुतालबा करती हूँ कि मेरी बेटी की बाजियाबी के लिए खुसूसी अकाम दें। मजलूम बेवा सुगरा बीबी ने कहा है कि इसका जवान लख्त जिगर जहनी मजदूर है, जो आनी जंजीर में बंदा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। पुलिस इसकी गुरबत और बेबसी का ही एहसास कर ले और इसकी बेटी को अगवाकारों से बरामद कराए। कैमरामैन सैयद फजल हुसैन शाह के साथ चौधरी रहमान जुनेद, रायल न्यूज। खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां पे कानून नाफिज करने वाले ही अब मुजरिमों से महफूज ना रहे। डकैती की अनोखी वारदात देखने को मिली। आपको बताएं कि पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, सरकारी राइफल भी डाकू छीन कर ले गए। नामालूम 5 डाकुओं ने थाना छांगा मांगा गश्त करने वाली पुलिस पार्टी को असलाह के जोर पर यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया और सरकारी राइफल छीन कर 9-2-11 हो गए। ये सब इंस्पेक्टर मुदस्सर महबूब और कांस्टेबल मोहम्मद तफेल मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे कि डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। डाकुओं ने यगमाल बनाकर वहशियाना तशद्दुद किया, जबकि यगमाली सब इंस्पेक्टर मुदस्सर महबूब का बयान, यगमाल बनाने के बाद भी डाकू राहगीरों को लूटते रहे। वाकई की इत्तला पाकर डीपीओ कसूर जाहद नवाज मरवत और डीएसपी चूनिया जाय वकुआ पर पहुंच गए। तमाम वाकई की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यगमाली सब इंस्पेक्टर मुदस्सर के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
रुक करेंगे पनवाकल का, जहां एसएसपी सखर इरफान अली समो रात गए गदपोर और सद्दू जाग कच्चे में मौजूद डाकुओं और जराय पेशा अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाइयों की सरबराही की, मुतलका अफसरान और अधिकारों की जरूरी हदायत जारी की और पिकेट्स का तफसीली मुआयना भी किया। पनवाकिल सखर पुलिस का कच्चे के इलाके गिदपुर और सिद्धू जा में जराइम पेशा नासिरीन और मुनज़िम डाकुओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। कार्रवाइयां जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इतला पर की जा रही हैं। रुख करते हैं दाजल का। आपको बताएं कि दाजल शहर में छांग बरादरी की फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी। थाना दाजल पुलिस को इतला दी गई मगर पुलिस बर वक्त न पहुंच सकी। जी, आवाम ने जख्मी को अस्पताल दाजल पहुंचा दिया। आवाम ने मुलजमान का पीछा किया, दो मुलजमान आवाम ने पकड़ लिए लेकिन इनमें से एक फरार होने में कामयाब हो गया। मजारी चांग और मौका की आवाम जो है उन्होंने पुलिस काफी देर तक पहुंची, जख्मी मजार चौक को रेस्क्यू के जरिए जामपुर रेफर कर दिया गया। रुख करेंगे नसीराबाद का। मंशू चोरी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस तीन अहम मुलजमान गिरफ्तार, असलाह डकैती शुदा दो मोटरसाइकिलें बरामद, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। मंशू चोरी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, तफसील के मुताबिक आपको बताएं कि DIG नसीराबाद शहाब अजीम लोहड़ी, SSP नसीराबाद अब्दुल हई आमिर बलोच की खसूसी हिदायत पर DSP इरशाद अहमद गोला की निगरानी में SHO मंजू शोरी गुलाम सरवर मेंगल ने भारी नफरी के हमराह जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करके मुख्तलिफ इलाकों से चोरी डकैती की वारदातों में मुलविस तीन मुलजिमान इस्माइल मोहम्मद मलूक हबीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से एक 7 MM दो अदद शॉटगन समेत एक अदद कब्ल डकैती शुदा दो अदद मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। खबर है सेवन शरीफ से, जहां सेवन शरीफ के करीब नवाही गांव उम्मीद अली खान कट्टूहड़ में पुलिस टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के कानून की धज्जियां उड़ा दी। जी, गांव उम्मीद अली खान कट्टूहड़ में मर्द और खवातीन के नामों पर हजारों की तादाद में फेक सिम एक्टिव करने का इंकशाफ। गांव उम्मीद अली खान कट्टूहड़ के रहायशियों का जोंग और मोबाइलिंग कंपनी में फेक सिम कार्ड जारी करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना भी दिया। मुतासिन का जोंग और मोबाइलिंग कंपनी के चीफ मालकान से नोटिस लेने और फेक सिम कार्ड डिस्चार्ज करने पर वाले ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा। रुक करेंगे बहावनगर के। जिला पुलिस का जराम पेशा अनासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, DPO ने क्यादत के इश्तिहारी समेत 48 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, भारी तादाद में असला और मनशियात भी बरामद कर ली गई। आपको मजीद बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर कद्दूस बेग की सरबराही में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जिला भर के 21 मकामात पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में जिला पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर मुतालिका इदारों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान 278 अफराद की बायोमेट्रिक की गई जबकि 48 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनमें 21 खतरनाक इश्तिहारी भी शामिल थे। गिरफ्तार इश्तिहारियों में 3 A कैटेगरी जबकि 18 B कैटेगरी के मुलजिमान शामिल हैं। मुलजिमान से भारी मकदार में नाजायज असलाह और मनशियात बरामद की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बेग का कहना था कि जराइम पेशा नासिर की के लिए ऑपरेशन होते रहेंगे जिनका मकसद जिला की आवाम को पुरअमन माहौल मुहैया करना है। खबर है कसूर से, जहां सूबाई वजीर पॉपुलेशन कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर किलाबाद में दो सगे भाइयों के हाथों कत्ल होने वाले मोहम्मद नईम के घर इजहार ताजियत के लिए आमद। जी, कसूर सूबाई वजीर पॉपुलेशन कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर इलाहाबाद में दो सके भाइयों के हाथों कत्ल होने वाले मोहम्मद नईम के घर इजहार ताजियत के लिए आमद। इस मौके पर उन्होंने मरहूम के लवाहिकीन से इजहार ताजियत करते हुए कहा कि अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लवाहिकीन के लिए इंसाफ की फरहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और मुलजमान को कैफ़ किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.tv और देखते रहिए रॉयल न्यूज़।